इसमें बात करने वाले हैं जी मेन के एग्जाम सिटी के बारे में। आप तो भी जानते हैं कि फॉर्म के अंदर चार सिटी चूज करनी है। अब जो चार सिटी आपको चूज करनी है, बहुत ध्यान से चूज करनी होती है, क्योंकि कई बार हम गलत सिटी चूज कर लेते हैं और एग्जाम देने में फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो जो एग्जाम होगा, जो सेशन होगा, पहला सेशन, उसके अंदर अलग अलग डेट से एग्जाम कनेक्ट होने हैं। तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा, तो आप जो सिटी है वो पास चूज करेंगे, तो आपका टाइम बचता है। ठीक है, अब जनरली क्या हो गया, जनरली एनटीए ने बहुत सारी जगहों पर अब सिटी सेंटर बना दिए हैं, क्योंकि पहले क्या दिक्कत थी, पहले जो एग्जाम था जेई मेन का, वो पेन पेपर बेस्ड पर होता था। अब सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड अब इजी हो गया है, तो यानी कि ज़्यादा सिटी अब आपको मिल जाती है, पहले नहीं था ऐसा। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास जैसे चार ऑप्शन हैं, ठीक है, आपको सिटी जो चूज़ करनी होती है वो चार करनी होती है। ठीक है, जो पहली सिटी आप चूज़ करेंगे, वो सबसे पहले सबसे पास वाली, यानी कि पहले अपनी सिटी चूज कर लो, एक बार ईडीएफ में चेक कर लो कि आपकी सिटी में है या नहीं। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो, विलेज एरिया है आपका, टाउन है, तो आपका जो मेन शहर होगा वो वहीं पे ही किसी एक कॉलेज में या किसी एक स्कूल में आपका सेंटर लग जाता है। ठीक है, तो आप उसको चूज कर लो पहले वाले को, क्योंकि जनरली जो आप पहला चूज करोगे उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वही मिलेगा। अब मान लो आपने चूज करा प्रयागराज, अब प्रयागराज चूज कर लिया हमने पहले पे, लेकिन प्रयागराज में जो है आपका नंबर नहीं आया, तो दूसरा जो सिटी आप चूज करोगे वो आपको दे दी जाएगी एनटीए की तरफ से। तो दूसरा आपने कोई और चूज किया है तो वो मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड चॉइस यानी कि तीसरा, फिर चौथा, तो सबसे लास्ट में चौथा होता है। तो जनरली पहला और दूसरे में मिल जाती है ज़्यादातर, ज़्यादातर तो पहले में मिल जाएगी, मोस्टली किसी में पहले वाला जो हम चॉइस चूज करते हैं वो मिल जाता है, लेकिन मान लो नहीं मिले तो दूसरे वाला तो मिल ही जाएगा। तो आप इस तरह से चूज करें कि आप जो है पास वाला लें, अपने शहर चूज कर लो। अगर आप शहर से हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मान लो गाँव से हैं तो अपना जो मेन डिस्ट्रिक्ट होता है, मेन शहर होता है, उसको चूज कर लें, वहाँ पे ही किसी कॉलेज और स्कूल में आपका सेंटर लगेगा। जब सेंटर मिल जाए तो आपको एक दिन पहले जाके सेंटर को देखाना होता है कि हमारे घर से वो कितना दूर पड़ रहा है, डिस्टेंस कितना है, तो एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे इतनी देर में मैं सेंटर पर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, और रिपोर्टिंग टाइम भी उसमें एडमिट कार्ड में लिखा होता है, रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार ही आपको जाना होता है। ठीक है, जिसका ध्यान रखे फॉर्म के अंदर, कोई और डाउट तो कमेंट कीजिए, कोई नई अपडेट आएगी उस बारे में आगे बात करेंगे। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जेई मेन का फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हो तो फिलअप करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 71 रुपीज़ की जो पेमेंट है वो आपको यूपीआई के थ्रू करनी है। यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यूपीआई के थ्रू करनी है, और आपको vidyoclasses1@gmail.com पर ईमेल आईडी भी लिखी है, उस पर आपको ईमेल कर देना है स्क्रीनशॉट, साथ में आपको मोबाइल नंबर, और आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर फिर आपका फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा। ठीक है, कोई और अपडेट आएगी उस बारे आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।